हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। ये एक स्विंग चेयर है, झूला। ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने जुलाई में परचेस किया था और आधा वीडियो मैंने तभी शूट कर लिया था जब ये आया था और आधा मैं इसके साथ अब शूट कर रही हूँ सो दैट मैं आपको इसकी ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे पाऊँ। ये झूला मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है। ये देखिए, इस तरह से दिखता है। ये काफ़ी लंबा है, इनफैक्ट ये 7 फीट के आसपास होगा इसकी जो हाइट है लंबी। आप जब परचेज करें तो एक बार वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से रहता है। इसके साथ एक स्विंग चेयर आई है। ये मैंने जस्ट एक डेकोरेशन की थी, मुझे लाइट्स और ये ग्रीनरी का बहुत शौक़ है तो जस्ट मैंने एक डेकोर किया था तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये झूला मैंने जुलाई में लोकल मार्केट से परचेस किया था और अब मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ। बहुत अच्छा झूला है, इसको मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली मतलब अब तो मैं सारे काम इसी पर ऑलमोस्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हो, बड़े झूले आपको नहीं ले सकते ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, तो आप ये ज़रूर परचेज करिए। इसके साथ आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, मतलब झूले वाले शौक तो पूरे हो जाएंगे। ऑल्दो ये स्विंग चेयर है, मैंने अपने हॉल में डाली हुई है। ये देखिए, ये आपको वहाँ तो बड़ा छोटा लगेगा बट घर आके ना बहुत बड़ा सा लगने लगता है। ये आप लोग अगर फ्लैट पे रहते होंगे तो आपको पता होगा ये 2 फीट बाय 2 फीट के टाइल्स होते। अगर आप इसकी ये डायमीटर देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइल्स कवर करती है। ये 3 फिट का होता है। ये देखिए, आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये 4 टाइल्स ऑलमोस्ट कवर कर रही है तो स्पेस अच्छा खासा लेता है और इसको स्विंग करने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस चाहिए पड़ता। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं, बोलो ये दिखता तो बड़ा छोटा सा है बट है नहीं छोटा, स्पेस अच्छा खासा लेता है। मतलब 4 टाइल्स है तो आपको अगर मूवमेंट के लिए चाहिए तो 6 टाइल ऑलमोस्ट चाहिए पड़ेंगे। ये इस तरह से आता है। ये वहाँ तो मुझे बहुत छोटा लग रहा था तो मैंने वहाँ मतलब ये कि चलिए ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा बट इसने घर आके अच्छा खासा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये मुझे रॉ झूला 6000 का पड़ा था, सॉरी 6500 का पड़ा था लोकल मार्केट से। ये देखिए, इसमें ये 5 लूप्स है ना, जो ये इसमें कनेक्ट ही रहते हैं। ये जो इसकी पीछे वाली जो रॉड है उसमें कनेक्ट रहते हैं। ये एक स्प्रिंग इसके साथ आती है झूले के साथ, एक हमने एक्स्ट्रा परचेज की थी क्योंकि हम दोनों की हाइट, ऑल दो मेरे मैं और मेरे हस्बैंड की हाइट अच्छी है बट स्टिल हम लोग को थोड़ा सा कम लग रही थी हाइट तो हमने एक एक्स्ट्रा परचेस किया। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक्स्ट्रा परचेस कर ही लीजिएगा, इससे अच्छा सा बाउंस भी आया, पहले बाउंस नहीं आया था। जब भी आप लोकल मार्केट से परचेस करें ना तो कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। क्वालिटी इज़ ऑसम, बहुत अच्छा दिया उन्होंने और जिस बंदे ने मुझे जिससे मैंने लिया वो बंदा भी कोऑपरेटिव था काफ़ी। बट ये झूला हमारे यहाँ 3 अटैम्प्ट में आ पाया तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसमें 4 तार वाला जो पैटर्न है, ये मेरा 4 तार वाला पैटर्न है। अब पता नहीं उन लोगों ने इसको 4 तार किस तरह से कहा था, इस तरह का पैटर्न है। एक इसमें स्पाइडर पैटर्न भी आता है, वो हमें नहीं थोड़ा सा कम पसंद आया तो मैंने ये वाला लिया हुआ है। ये मेरा वाइट कलर का है। एक इसमें आता है, उसमें ये जो रॉड है ना डबल होती है जस्ट इतनी और अच्छी खासी चौड़ी होती है और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो मैंने नहीं लिया। इसकी वेट होल्डिंग कैपेसिटी 150 kg है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड भी है इनफैक्ट। और ये इस तरह से इसमें 8 लूप्स बने हुए हैं। मतलब मैं और मेरी फैमिली में सब अच्छे खासे हेल्दी है तो इसकी वेट कैपेसिटी ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये इसके साथ एक गद्दी भी देते हैं पर ये कवर नहीं आता है। तो जब आप परचेस करेंगे रॉ में आपको सिर्फ झूला मिलता है, एक स्प्रिंग मिलती है और गद्दी मिलती है बट आपको कवर 500 रुपये का बाद में परचेस करना ही पड़ता है। वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको क्यों परचेस करना पड़ेगा। ये कवर मैंने 500 रुपये में परचेस किया था। ये इस तरह की गद्दी आई थी, मैंने पिंक शेड में ली हुई है। ये देखिए, ये गद्दी को वॉश नहीं कर सकते, इसमें कुछ अजीब सा मोटा वाला मटेरियल बड़ा हुआ है। अच्छी है, थिक हैवी बहुत है गद्दी बट आप इसको चाहे घर पे वॉश कर सकते तो नहीं कर सकते, इसलिए उसी ने फिर जब हमने परचेस कर लिया तो उसने बोला कि आपको कवर लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो किसी पुराने पर्दे से या आपके पास कोई कपड़ा हो तो कवर भी बनवा सकते हैं, तो बनवाई भी क्योंकि इसकी जो गद्दी की गोलाई है काफ़ी अच्छी खासी है तो बनवाई भी आपको उतनी ही पड़ेगी। तो ये हमने 500 में उसी से परचेज़ किया था और एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग जो ली है वो भी हमने बाद में पे की थी।
आप जब भी लें तो इन सब के रेट्स उससे ऑलरेडी डिसाइड कर लीजिएगा। हमने फर्स्ट टाइम लिया तो हमें नहीं पता था कि एक्स्ट्रा स्प्रिंग का भी हमें पैसा देना पड़ेगा, तो आप एक्स्ट्रा स्प्रिंग उसने हमें 250 या 200 के आसपास की दी थी और ये गद्दी का कवर हमें 500 का दिया था। तो अगर आप जब भी लें तो इन सब के रेट्स एक बार उससे इकट्ठा डिसाइड कर लीजिए, बाद में प्रॉब्लम होता है। प्लस उसने हमारे एरिया में, मतलब मेरे घर से ये मार्केट 3-4 किलोमीटर ही ऑलमोस्ट होगा, बल्कि और ही कम होगा, वहाँ से यहाँ तक के उसने हमसे 350 समथिंग चार्ज किया था। ये देखिए इस तरह से होता है, ये 3 पार्ट्स में आता है। नीचे का सर्किल यहाँ तक कनेक्ट होता है, जो कनेक्टर दिख रहा है ना, यहाँ तक कनेक्ट होता है, ये अलग हो जाता है और इसके ऊपर वाला पार्ट अलग होता है और जो चेयर होती है वो अलग होती है। और दोस्त ने हमसे बोला था कि ये कार में नहीं आ सकता है, बट मैंने आपको बताया ना, 3 बार में हमारे आया। पहले बार ये जो रॉड दिख रही है ये टूटी हुई थी, मतलब ये झूला कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा था। दूसरी बार आया तो ये जो सर्किल था ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो जब भी आप परचेस कीजिएगा ना, उसकी दुकान पे किसी फ्लैट पोर्शन पे रख के इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो घर आके प्रॉब्लम होगा, फिर आप लेके जाएंगे, फिर भागेंगे। और बाद में ये हमारी गाड़ी में ही हम लेके आए थे, तो वो जो 350 हमारा जो शिफ्ट हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन का दिया, वो हमारा बिल्कुल वेस्ट किया। और उसने पहले बोला गाड़ी में नहीं आएगा, हमारे पास होंडा अमेज है, अमेज में बहुत आसानी से आ गया था, ये सर्किल अलग हो जाता है और ये आराम से बाद में मेरे हस्बैंड ने कनेक्ट किया है। इनफैक्ट अब इस रूम से उस रूम में शिफ्ट करते रहते हैं तो बहुत आसान से ये जो पेज दिख रहे थे वहाँ से बहुत ईजीली कनेक्ट हो जाता है। इस पे एक ना जो ये पन्नी चढ़ी हुई है मैंने हटाई नहीं, आपको इसके नीचे ग्रीन कलर की मैट बिछानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइल से टकराता है तो कटकट की आवाज़ आती है। तो हमने अभी तक ग्रीन मैट नहीं खरीदी है, देखिए कब उसका मुहूर्त आता है, खरीदनी तो है ही। तो आप जब भी लोकल मार्केट से परचेज कीजिएगा ना, बंदा बहुत कोऑपरेटिव था, बट जो प्रोसेस एक दिन में हो सकता था, फिर वो लोग कारखाने से लेके आते हैं, पैसा पूरा जा चुका था, तो हम लोग भी थोड़ा सा पैनिक हुए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ना 6500 प्लस 200 प्लस 500 प्लस ट्रांसपोर्टेशन का मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्प्रिंग एक्स्ट्रा बाउंस के लिए हमने उससे बोला, ये जो ऊपर वाले 5 लूप से आप इसको बढ़ा दीजिए, तो ये इनके यहाँ ये लोग भी किसी फैक्ट्री से लेके आते हैं, जो इनका अपना मेन फैक्ट्री होता होगा, ये लूप एक्स्ट्रा नहीं बढ़ सकते, ये लूप इसमें कनेक्ट ही होते हैं, ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहा है जैसे पन्नी चढ़ी हुई है इससे कनेक्ट होते हैं, तो ये लूप्स नहीं बढ़ सकते। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको स्प्रिंग से ही हाइट बढ़ानी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड 6 फीट के हैं, मेरी भी 5'4" के अराउंड है, बट स्टिल हमें इसकी इसको में थोड़ा सा हाइट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने एक्स्ट्रा स्प्रिंग ज़रूर लिया। तो आप इसका भी क्या कॉस्ट कैलकुलेट करवा लीजिएगा, तब आप जाके बार्गेन कीजिएगा। उसने सिर्फ ये रॉ झूला मुझे 8000 का बताया था, पर इजीली वो 6500 में मान गया था। ये देखिए ये और इसमें जो इसका जो लोहा है वो आपको, मुझे जो लगता है कि हर साल आपको इसमें ऑलमोस्ट कहते हैं जो पेंट करना पड़ेगा, तो अभी तो मैंने इसकी पन्नी इसीलिए नहीं खोली है क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको पेंट करके एक बार आराम से करूँगी। अब देखिए कभी तो टाइम आ पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए ये जस्ट मैंने एक दिवाली में डेकोर किया था, बिकॉज मैंने आपको बताया ये मेरा फेवरेट प्लेस है और मेरे तो सारे काम इसी पे होते हैं, तो मैं मतलब मुझे इस पर स्विंग करना और बड़ा अच्छा सा लगता है। और मैंने इस पर फेरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं, मुझे फेरी लाइट्स बहुत पसंद है। आप जब भी इसको परचेज करें थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक बार जब पैसा चला जाता है ना तो फिर वो लोग अच्छे से डील नहीं करते, बट ऑल दो बंदा बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था, बट फिर भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पैनिक तो हुए और बाद में हमारी गाड़ी में ही आया। और बट हाँ, अगर आपकी गाड़ी नई है तो रिस्क मत लीजिएगा, हमारी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। ऑल दो डेंट वेंट कुछ नहीं आया, आराम से गाड़ी में बहुत इजीली आ गया था, तो और हमारा डिस्टेंस भी बहुत कम था, उसने अच्छा खासा चार्ज किया, 350 चार्ज किया, तो मुझे लगता था वो नहीं कर सकते थे, बट हम लोग को पता ही नहीं था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज करने जा रहे हैं ना तो प्लीज़ ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि और कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसको आप ज़रूर एक फ्लैट पोर्शन पर रख के ज़रूर इसके सर्किल को चेक कर लीजिएगा। प्लस हमें जो उसने फर्स्ट टाइम भेजा था उसमें जो जहाँ पे वो मैंने आपको बताया था कनेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू था कि उसके छेद अलग थे, होल्स उसमें अलग अलग थे, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो आप वहाँ पे एक बार इंस्टॉल करा के भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।